बिलासपुर सदर से बीजेपी विधायक सुभाष ठाकुर ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि भाजपा नगर परिषद चुनावों में लोगों से विकास के नाम पर वोट मांगेगी और भाजपा कार्यकर्ता गत 3 वर्षों में भाजपा द्वारा जिला में किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत करवाएंगे तथा इसी आधार पर लोगों से भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थित नगर परिषद बिलासपुर में पिछले 5 सालों का कार्यकाल निराशाजनक रहा है और कांग्रेस पार्षदों की आपसी खींचतानी के चलते नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिलासपुर शहर में 454 आवास बनाए गए तथा इस पर 5,56,90,000 रुपए खर्च किए गए। मुख्यमंत्री आजीविका मिशन के तहत कोरोना काल में 183 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया गया है तथा उन्हें 5,92,200 रुपए की राशि मिली। उन्होंने कहा कि बिलासपुर शहर में पानी की समस्या को हल किया गया तथा बिलासपुर शहर में दोनों समय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई गई। सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार के समय सक्रिय नशा माफिया व कथित गुंडागर्दी पर रोक लगाई और शहरों के पार्कों के सौंदर्यकरण के लिए 20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करवाई गई है तथा शहर के सामुदायिक शौचालयों के जीर्णोद्वार के लिए 12 लाख रुपए स्वीकृत करवाए गए हैं। बिलासपुर शहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए बंदलाधार से पैराग्लाइडिंग के लिए अप्रूवल दिलवाई गई और गोविंद सागर झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना तैयार की गई है। लुहणू में 1.5 करोड़ रुपए से हेलीपैड का निर्माण कार्य होगा। वहीं अलीखड्ड में कृत्रिम झील बनाने की डीपीआर तैयार कर इसके लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में गत 3 वर्षों में यहां से स्थानांतरित किए गए चीफ कंजर्वेटर के कार्यालय को वापस बिलासपुर लाया गया तथा आगामी समय यहां पर पर्यटन विभाग का कार्यालय लाया जाएगा ताकि बिलासपुर में पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि वे भाजपा द्वारा किए गए कामों के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस बार नगर परिषद बिलासपुर पर भाजपा काबिज होगी। बिलासपुर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन के संदर्भ में आप सबका स्वागत करता हूं और बिलासपुर की म्युनिसिपैलिटी का जिस तरह से पिछला 5 साल रहे वो बड़े नकारात्मक रहे और नेगेटिविटी वाले रहे, इसलिए हम इस बार बड़ी संजीदगी के साथ और डेवलपमेंट करने वाले लोगों के साथ म्युनिसिपैलिटी में आ रहे हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन जीतेगी। जिताऊ कैंडिडेट, टिकाऊ कैंडिडेट और लोगों के साथ जुड़े हुए कैंडिडेट्स हम दे रहे हैं और हमारा जो ये चुनाव है इस चुनाव को हम डेवलपमेंट के ऊपर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। बिलासपुर के शहर की डेवलपमेंट और शहर में जो डेवलपमेंट की है, जिस तरह से यहाँ गुंडागर्दी का माहौल था समाप्त किया, नशाखोरी का एक बहुत बड़ा वो था वो उसको समाप्त किया है और उसी तरह से पीने के पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा किल्लत थी। पिछले ढाई सालों में कोई भी टैंकर के माध्यम से पीने का पानी नहीं ला रहा है, सुचारू रूप से दो समय पानी मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का बदहाल था, आज डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। उसी तरह से पर्यटन की दृष्टि से आने वाले दिनों में बिलासपुर शहर को, बिलासपुर को मानचित्र पर लेके आएंगे। यहाँ पर हम नए ऑफिस लेके आए हैं और अगला भी हमने टारगेटेड किया है कि यहाँ पर पर्यटन का ऑफिस लेके आएंगे। एडवेंचर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग और ये वाटर स्पोर्ट्स और इस लूडू घाट की डेवलपमेंट और यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों के लिए हम आने वाले दिनों में बिलासपुर को या स्पोर्ट्स टूरिज्म और या दूसरा एडवेंचर टूरिज्म और मनाली को जाने वाले टूरिस्ट को यहाँ पर रुकने के लिए और ये सारी चीज़ें, एम्स यहाँ शुरू हुआ है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ है, इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास जाएंगे और इस म्युनिसिपैलिटी में हम पॉजिटिविटी के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। सर, कृत्रिम हमारी ये कृत्रिम झील 450 करोड़ की अलीखड़ के ऊपर, वह भी उसका भी डीपीआर और उसके कंसल्टेंट हमने किए हैं और उसका भी हमने सारा प्रारूप तैयार कर दिया है और गवर्नमेंट की तरफ से उसको ओके करके सेंटर गवर्नमेंट से हम उसको भी यहाँ पर लाएंगे ताकि 12 महीने यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स और लोगों को सिंचाई की सुविधा, किसानों को सिंचाई की सुविधा हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। इस दृष्टि से कृत्रिम झील बिलासपुर की जीवन रेखा होगी या बिलासपुर की तस्वीर और तकदीर बनेगी। PRTV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।